बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हम सब सुंदर साथ के साथ यूएसए के सुंदर साथ फिर से एक बार राउंड टू में आए हैं और नए सुंदर साथ के भाव लेकर। पहली बार भी हतप्रभ रह गए थे, हम स्तब्ध रह गए थे कि यूएस में रहकर इतना समय निकाल कर कैसे इनके बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, कैसे सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ प्रेरणा देकर जा रहे हैं। वृद्ध से वृद्ध, युवा से युवा, बच्चे से बच्चा आकर जो इन्होंने पूरी वैरायटी पूरा दिखाया था, एज ग्रुप का हो चाहे भावों का समन्वय अति सुंदर। आइए देखिए, पहले से ही सुंदर साथ हैं, कोई छोड़ के जाएंगे तो नए आ पाएंगे, मुझे लगता ही नहीं ऐसा होगा कि कोई छोड़ के जा पाएंगे। आइए प्यारी अमी जी के साथ चलते हैं, किन किन सुंदर साथ के वो दर्शन करवाती हैं और किन किन के भाव लेकर आती हैं। प्रणाम जी अमी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी श्री राज जी के अति लाडले सर्व सुंदर साथ के आत्मस्वरूप में मेरा कुटानकोट प्रणाम जी। वाला सुंदर साथ जी, आज हमारे यूएसए सुंदर साथ का टर्न है और उसमें दो नन्ही सी प्यारी सी सखिया जुड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले हम दीप्ति दीदी के मुखारविंद से कुछ भाव सुनेंगे। वो सबसे पहले किरणतन सुनाएंगी और फिर बाद में प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी में से कुछ चौपाइयों में अपना भाव रजू करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आज मैं किरणतन वाणी से प्रकरण 125 का गायन करूंगी, कुछ चौपाइयों का। वृथा का निगमो रे पामी पदारत चार, उत्तम मन खो खंड बरतनो सृष्ट कुली सिरदार। सेठे तमने सारी सनंदे सौप्यो छे धन सार, अनेक जवेर जतन करी तमे लाव्या छो आणी वार। सतवो रिने सतग्रहे जो राख जो रूड़ी प्रकार, आणी बो में राखे भूलता पछे सेठ तनो वेवा। अनेक वारे तरफड़ी मरी ने दुख देखी आव्या छो पार, लाख चौरासी भामी ने आव्या आही मध्य देश व्यापार। खरी वस्त आही गोप छे जो जो चोटा पीठ हार, वोहर जो पारखू करियावी कूली बैठो छे पार। खोटा साटे साचो जड़े छे एवी मली छे बाजार, लाभ अलेखे
आ फेरा तनो जो राखी सको व्यवहार, दुख निसाटे अखंड सुख आवे, अदखिन माहे आज साहुकारो साधो वहवारियो एम सुनो कहे महेराज, एम सुनो कहे महेराज। प्रणाम जी। आज मैं प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई में कुछ भाव रखूंगी। प्रकरण सात की चौपाई है, मेरी सयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पीयू चले पुकार पुकार, पीयू चले पुकार पुकार। इस वाणी की चौपाई को हम श्री बीतक साहेब से प्रसंग से समझेंगे। सुंदर साहब जी, जब ये उस समय का प्रसंग है जब बिहारी जी के द्वारा झाम राजा के मंत्री के पास कराई गई चुगली के कारण श्री महाराज को अपने दोनों भाई श्यामल जी और उद्धव जी के नजरबंद होना पड़ा था। फिर 6 महीने के विरह की अवस्था में उनको धनी का दीदार होता है, तब उनको पता चला कि जीन देवचंद्र जी को मैं सदगुरु मानता था, मैं उनसे परब्रह्म की मांग करता था, वो तो उनके धाम हृदय में ही विराजमान है, लेकिन मैं उनकी पहचान नहीं कर पाया। यही पीड़ा वो अपने धाम सखी श्री रतन बाई को संबोधित करके कहा है कि मेरी सैयर रे शाह आए थे मेरे घर, लेकिन मैं पहचान नहीं कर सकी। उनको विलाप है कि मैं उनके साथ इतना समय बिताया और मुझे पहचान ही नहीं हुई कि वो मेरे प्रीतम है। लेकिन आज परिस्थितियां अलग है, हमारे पास प्राणनाथ जी का कलेवर स्वरूप आज हमारे सामने नहीं है, जो पन्ना जी में सभी सुंदर साध ने उस स्वरूप को स्वरूप पर अपना तन समर्पित कर दिया था। लेकिन आज उनका ज्ञान, उनके उपदेश, उनकी दी हुई शिक्षाएं, उनकी बातें तारतम वाणी के माध्यम से हमारे बीच में हैं, और हम देखें कि हमारे परम हंसों ने भी इस तारतम वाणी को कोई ग्रंथ नहीं माना, उनको किताब नहीं माना, उनको उन्होंने अब साक्षात धनी का स्वरूप माना। जैसे रास चरण प्रकाश पिंडुरिया खटरूती गुटन, कलश जंगन की सनंद कमर कर किरंतन सोहे, नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि, मुख सिंगार नासिका सिंधी, श्रवण मार्फत नयन सो कयामत नामा, 14 अंग मिले एक धनी के। यानी ये 14 ग्रंथ है वो हमारे धनी का साक्षात स्वरूप है। हम सबको धाम धनी ने आज्ञा दी है कि उस पर अपने को समर्पित करें। समर्पित माने इसको पढ़े, समझे और इनकी बातों को अपने जीवन में उतारे, उसे आत्मसात करें। उन्होंने कहा है पढ़ो मेरे कलाम को, लेकिन हमने कैसे स्वीकार किया? पूजो मेरे कलाम को, जिसको पढ़कर आत्मसात किया जा सकता था, लेकिन आज उसकी पूजा हो रही है, स्वर्ण से सजाया जा रहा है, लेकिन उनसे जो हमें शिक्षाएं मिली उसको अपनाने में मैं पीछे हूँ। आज हमारे पास ऐसा ज्ञान है जिसको आत्मसात करके शाश्वत ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो सकती है, उसको रटते गए लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। इस प्रकरण में श्री इंद्रावती जी ने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। हमने कभी प्रकाशवाणी को हृदय से आत्मसात किया होता तो पता चलता कि प्रीतम को पाने की प्यास
किसे कही जाती है? इंद्रावती कहती है, हे मेरे शरीर का रोम रोम आपका विरह कर रहा है। ऐसी चौपाइयों को पढ़कर सुनकर भी हम कभी अपने जीवन में उस प्रीतम की अनुभूति कर पाए हैं? अगर हमने खटरुति की वाणी को आत्मसात किया होता तो पता चलता कि परमात्मा को पाने की चाहत क्या होती है। हम हर रोज सारतन की चौपाइयों में बोलते हैं, उसमें दूसरी चौपाई है कि अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना एह विचार, कि हमारे अंदर उत्कंठा उत्पन्न हो रही है धनी को पाने की। कभी उत्कंठा श्री देवचंद्र जी के दिल में उपजी थी, मेहराज जी के दिल में उपजी थी, क्या हमारे दिल में उपजी कभी ऐसी उत्कंठा? वैसे ही हम बोले जा रहे हैं तारतम की चौपाइयों को। उदाहरण के रूप में धाम धनी हमें वितक से ही एक प्रसंग बता रहे हैं जो भगवान दास का प्रसंग आता है। सूरत से जब श्री जी निकलते हैं तो उनकी मुलाकात भगवान दास से होती है, तो श्री जी ने उनको एक मोहर दी थी। तो जब श्री जी जा रहे तो भगवान दास ने उससे दूसरी भी मोहर मांगी, तो सब सुंदर साथ बोले कि भगवान दास तुमने ये क्या मांगा, तुमने एहसास भी है कि ये कौन है, उनके स्वरूप की तुमने पहचान की है, उनसे तुम अगर आज अखंड की बात मांगते तो तुमको वो भी अखंड भी मुक्ति मिल जा सकती थी। लेकिन उसको बाद में कुछ एहसास हुआ तो उन्होंने श्री जी को बताया कि मुझे भी कुछ पार की बात बता दो। तो श्री जी ने कुछ अक्षर और अक्षरधाम की परम धाम की बात कुछ बताई, तो उसके बाद वो चले गए। बाद में उनकी मुलाकात कुछ समय के बाद उनसे मुलाकात केशव दास से होती है। केशव दास जी से उन्होंने जब ये बात बताई तो केशव दास को तुरंत ही उनको अक्षरातीत की पहचान हो गई। तो उन्होंने कहा, भगवान दास तुम तो पंडे के पंडे ही रह गए, वो तो अक्षरातीत का मुझे आया है मन में, वही जा रहा हूँ अब। लेकिन हमने कई कई चर्चाएं सुनी, वाणी को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमने अपने प्रीतम की असल पहचान की है? श्री जी के समय तो एक ही भगवान दास था, लेकिन वर्तमान समय में हजारों भगवान दास है। कोई कोई है जो केशव दास की तरह सोच रहे हैं कि ये वाणी मेरे प्रीतम की है, उसको मुझे आत्मसात करना है। सिंगार में धाम धनी हमें व्यंगम रूप से कहते हैं, शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हैडे कठन, शाबाश तुम्हारी निस्बत। आज हम इस संसार में है, कल नहीं रहेंगे, तो इस ज्ञान को केवल कंठ तक या श्रवणा तक न रखकर उसे अपने हृदय में मैं रखूं और उसे आत्मसात करूं। जब हमारी भी अंतिम समय आएगा तब हमें भी यही पश्चाताप होगा कि हमारे पास भी तारतम ज्ञान आया था लेकिन उनको मैंने आत्मसात नहीं किया था। मेरे प्रीतम ने मुझे किरणतन वाणी से, सागर की वाणी से, सिंघार की वाणी से मुझे जगाया, लेकिन मैं इस मौके को चूक गई। इस जूम के माध्यम से भी हमें ज्ञान की रसधारा मिल रही है। इस वाणी के वचनों को हम श्रवण तक न रखकर अपने जीवन में उतारे। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर पूरी श्री मुखवाणी और बीतक साहब में से कितने हम भगवान दास और कितने हम रेवा दास जी हैं। सुंदर साहब जी बहुत सुंदर, एक एक बात चोट करती हुई दिल को, कि कितना हम दिल में उतार रहे हैं और कितना कंठ तक या फिर श्रवणों तक ही रख रहे हैं। अति सुंदर। मुझे पता है दीप्ति जी के हृदय में बहुत धनी ने धन दिया हुआ है, खजाना दिया हुआ है। मैंने सुना है, बहुत बार सुना है उनके वचनों को। आज तो छोटा सा एक उन्होंने विचार बस अपना रखा है, वरना उनके दिल में इतना कुछ है और इतना सुंदर सटीक वो विचार था। मैं इसको शायद 2 या 3 बार और सुनूंगी अभी। इतना प्यारा, कैसे उन्होंने खिलवत की बात की,
परिक्रमा की बात की, किरंतन की बात की, कहाँ कहाँ पिया जी ने कैसे कैसे हमें बोला है और कैसे व्यंग्य के बाण भी मारे हैं और प्रेम के बाण कहाँ कहाँ मारे हैं। अति अति सुंदर दीप्ति, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारी बहुत प्यारी मल्टी टैलेंटेड बहु गुणों से भरपूर सखी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हमारी अगली सुंदर साथ जो आ रही है वो हमारी छोटी सी सखी अंगना है। वो आज पहली बार अपना भाव रजू करने वाली है और वो ग्रेड में पढ़ती है। तो आइए हम इस छोटी सी रूह के मुखारविंद से उनका भाव सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस सुंदर साथ जी, हवे पहला मोजल में कहो बाता, देता दुख रूपी दिन राता, दावन अल बाले कोई बांता, तेने केतली कहो विख्याता, तेने केतली कहो विख्याता। प्राणनाथ जी ए इंद्रावती says, first of all, let me tell you about this attraction of the world. Here, suffering is persistent during day and night. People are burning in the bonfire of lust, anger, greed, attachment, and ego. How far can I explain all this? Ave mubiji chopai bolo. Kripa karo cho amachtani. Sikhamando cho atigani. अहनी स्लियो छो अमारी साथ, तो मोहजोल उतर सो पारा, तो मोहजोल उतर सो पारा। ओ लॉर्ड, यू आर मर्सिफुल टू अस एंड इंस्ट्रक्ट अस रिपीटेडली एंड यू लुक आफ्टर अस कंटिन्यूअसली। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी शैल क्रॉस द ओशन ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड। प्रणाम जी। अरे वाह, दो चौपाइयों के माध्यम से इस माया के विष में से निकलना कैसे है, कितनी सुंदरता से उन्होंने समझा दिया कि किस प्रकार ये लस्ट एंड डिजायर्स जो हैं हमें अपनी तरफ खींचती रहती हैं, पर हमें धनी की ओर नजर रखनी है। अति सुंदर बेटा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, बट प्लीज कंटिन्यू दिस सेवा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अपने मंदिर में जहां भी सुंदर साथ से मिले, आप बहुत प्यारा बोलते हो, बहुत मीठा बोलते हो, इसको जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। आपके पेरेंट्स के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। इतनी सुंदर परवरिश वो भी अमेरिका में रह के बच्चों की करने के लिए, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। प्रणाम जी अंगना बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आई होप सुंदर साथ पोर करेंगे चैट में बहुत सारा प्यार बच्ची के लिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। अब जो अगले सुंदर साथ आ रहे हैं वो कमलेश जी है। उनके मुखारविंद से हम किरंतन वाणी की कुछ चौपाई का भाव सुनेंगे। प्रणाम जी। यदि सुंदर साथ जी हैंड रेज करते रहेंगे, अगर वो डिफरेंट नेम से भी हैं तो मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। कैमरा ऑन रखिएगा। हाँ जी, मिल गए। उषा बेन के नाम से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आपका अनम्यूट हो गया, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। आत्म संबंधी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। आगे थोड़े भी लिए जाए मेरी रूह, तुम औखे खोल तो हम कैसे औख खोलनी चाहे, पर सावधान होना है। बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सो भी पैदा वो माया मोह अहंकार। विचारिये सुंदर साथ जी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी जो सृष्टि के भगवान है वो भी माया से पड़े नहीं हो पा रहे, तो संसारिक प्राणी कैसे पार हो सकता है। लेकिन सुंदर साथ जी, श्री राज जी की असीम कृपा और हमारी निस्बत से हमें परम धाम का ज्ञान मिला है, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का ज्ञान मिला है। राज्य से अधिक सुंदर कोई नहीं है, हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है और एक पल के लिए भी राज्य के चरण कमल की या मुखारविंद की झलक मिल जाती है तो इस ब्रह्मांड में जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों
के सौंदर्य उनके करोड़ों में अंश की बराबरी में भी नहीं उतरेगा। तो सुंदर दास जी, हमें सोचना है कि ऐसा कौन होगा जो राज्य का सौंदर्य को देखने के बाद कैसी और सौंदर्य पर पागल होगा। हमें चितवाणी में यदि श्री राज्य के साथ जमुना जी में क्रीड़ा करने की अनुभूति हो जाए तो उससे बड़ा आनंद क्या होगा। परम धाम में फूलबाग नूरबाग की सुगंध की झलक मिल जाए तो उसके सामने संसार के क्या होगा जो हमारी नासिका को वशीभूत कर सके। जैसे हमारे रूम में घना अंधकार है तो हम लाइट की स्विच ऑन करते हैं तो रूम में प्रकाश जगमगता उठता है। उसी तरह से किसी के हृदय में माया का घना अंधकार है तो क्या तारतम वाणी के ज्ञान का दीपक जला दिया जाए तो उसमें प्रेम की सरिता प्रवाहित होगी और उस सरिता के रूप में जमुना जी ही हमारा हृदय में प्रवाहित होगी। उस पवित्र जल में स्नान करके हमें अपने प्राणेश्वर को पुकार केवल हमें समर्पण सीखने के अपना अहम समाप्त करना है। जो अहम को समाप्त कर दिया तो समझो कि बाजी जीत ली। जैसे हम सबको महाभारत के वो प्रसंग का पता है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को पूछते हैं कि अर्जुन कल तो कर्ण से तुम्हारा निर्णायक युद्ध होना है और तुम निश्चित होकर सोच रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान मैंने तो युद्ध को पहले दिन की के अपनी बागडोर आपके हाथ में दे रही है। मुझे नहीं पता है कि कल क्या होगा, यह सब तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या हम सब कुछ श्री राज जी को सौंपते हैं, हमारे पास ऐसा समर्पण है। यदि हम माया से पार होना चाहते हैं, धनी को आत्मसात करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान का अहंकार, साधना का अहंकार, धन वैभव सभी का अहंकार मिटाना होगा। और यही भी अहंकार नहीं लेना चाहिए कि मैंने माया को जीत लिया, मैं बहुत सेवा भाई हूँ, मैं प्रेम में डूबा हूँ। मैं ये सारे अहंकार को समाप्त करना होगा। बस हमें अपना हृदय केवल राज्य को देना है। रात्रि को सोने से पहले भी शुद्ध हृदय से श्री राज्य को अपने हृदय से बसाने लेना है और कहना है कि मैं आदिन करनी नहीं बाहे ग्रहे लाज, तो तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दी। ऐसे शुद्ध हृदय से हमें अपनी धनी की प्रार्थना करेगी तो निश्चित रूप से श्री राज जी की कृपा बरसेगी और शुद्ध हृदय से हमें सुबह कम से कम एक घंटा चितवन करके धनी को अपने दिल में बसाना है जिसे हमारा मन शांत होगा। ये सभी हमें परम पूज्य श्री राजन स्वामी की चर्चा से भाव लेकर आपने समक रखा है। कोई क्षति हो तो माफ करना। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटांकोट प्रणाम। प्रणाम जी कमलेश भाई जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये कमलेश भाई हमारे कमलेश भाई के मौसा जी लगते हैं और अंगना के मम्मी पापा के नाम भी जरूर बताइएगा, यहाँ पे जरूर जानना चाहेंगे। अति सुंदर आप सहयोगिता में भी आ चुके हैं कमलेश भाई जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। अभी अभी जुड़े और इतना साहस कि मैं सहयोगिता में भी आना चाहता हूँ, ये बल धनी जी देते हैं अंदर से। बहुत सुंदर, अति सुंदर, आगे भी जरूर बोलते रहिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अंगना के का नाम धवल भाई है। अच्छा, धवल भाई की बिटिया। और मम्मी का नाम? मीना बहन। मीना बहन दोनों के हाँ। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सारे चैट में से लीजिएगा जी। वो दोनों भी हमारे पास में ही रहते हैं, हम सब लोग वीक में एक दिन अभी सहुर करते हैं तो सब इकट्ठा होते होके बैठ के अभी वित्तक साहिब की चर्चा करते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखिए इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में से भी ये गुजरात की धरती में, और ये उस धरती से कहीं भी चले जाएं, चाहे वहीं पैदा हुए हों ये बच्चे सुंदर साथ जी, पर वो जो संस्कार उनके अंदर प्रवाहित होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं कि हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, हमारे श्री प्राणनाथ जी के चरण वहां पड़े हैं तो उनका प्रताप है। ये सारे सुंदर साथ बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। और मैं जानती हूँ कि बहुत सुंदर इन सब में से सारे सुंदर साथ प्यारा प्यारा बोल सकते हैं। और अमी जी इतनी प्यारी आप एंकरिंग कर रहे हो, आप इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अब आगे जो सुंदर साथ आ रही है वो भी हमारी छोटी सी प्यारी सी सखी वानी है, वो जो डिंकल दीदी है उनकी बेटी है।
वो भी 5th grade में पढ़ती है. तो चलिए आज हम उस छोटी सी सखी के अपना भाव सुनते हैं. प्रणाम जी. अरे वाह, उनकी मुस्कान बता रही थी कि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं. सिर्फ 5th में पढ़ती हैं सुंदर साजी. अपने घर में हम भी देखेंगे कि कैसे संस्कार हमने दिए हुए हैं. और अगर बहुत लेट, कभी भी नहीं होता, आज भी शुरू कर सकते हैं. इन बच्चों के वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा कि किस माहौल में पले बड़े हैं, कहाँ पे कैसी जिंदगी में ये रहते हैं वहां पे, और किस प्रकार वो भाव अपने बता रहे हैं. हाँ जी बेटा, आप शुरू कीजिए. प्रणाम जी सुंदर साथी, कोई डेट का साला तुमको, तुम बहाला चाहिए हो चैन, साला टाम की ना चोरियो, सूरज पीछे फिर यू चैन. इफ समवन इन द वर्ल्ड हार्म्स यू, यू प्रे फॉर हिज वेलफेयर, डू नॉट फॉरगेट द प्रॉमिस ऑफ द अडल्ट, डू नॉट अलाउ योर सोल टू रिटर्न टू द वर्ल्ड अगेन. यौन तेरी के जो अगुण करने हर दौड़, सब अंग इश्क़ की निकसो ब्रह्मत पद, मेक फुल प्रिपरेशन बिकॉज़ यू हैव टू रन फॉर द डेस्टिनेशन, फॉर योर बीइंग इन विद लव एंड कॉल ऑल द लवर्स ऑफ द फेस्टिवल. प्रणाम जी. प्रणाम जी, बहुत सुंदर मैसेज दे गई ये बिटिया हमें. कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, जो आज बहुत जरूरत है हमें रहनी में उतारने की. कसाले भी देते रहे, उनके लिए भी भला मांगना है कि राजी इनको सद्बुद्धि दीजिएगा, इनको विवेक बुद्धि दीजिएगा, और ये और आगे बढ़े. और आगु करनी है दौड़, यो तैयारी कीजियो, आगे करनी है दौड़. सुंदर साजी, अब आगु दौड़ करनी, तैयारी करनी शुरू कर देती. निक्सो ब्रह्मांड फोड़, तो बहुत सुंदर दोनों चौपाइयां, अति सुंदर बेटा. खुशी, इतनी खुशी आपने सुंदर साथ में बांटी. ऐसे ही खुशियों की किरणें हमने भी बिखेरनी है. छोटी सी खुशी भी यदि किसी को दे पाए ना, वो दिन सफल समझ लीजिएगा. सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा, आपके चरणों में प्रणाम. आगे भी जरूर बोलते रहेगा रहिएगा बेटा, और आपके मम्मा पापा के, आपके परिवार के चरणों में भी खूब खूब प्रणाम जी. प्रणाम जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड लव प्लीज कलेक्ट फ्रॉम द चैट एज वेल. प्रणाम जी, कहाँ से हीरे ढूंढ के ले आए हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हमारे जी. हमें प्रणाम जी. अब आगे जो सुंदर साथ आ रही है, उनका नाम मंजुला बहन जी है. उनके मुखारविन से हम बितक साहिब का भाव सुनेंगे. प्रणाम जी. प्रणाम जी. प्रणाम जी सबको, प्रेम प्रणाम जी. बोलो श्री प्यार नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय. आज हमको जो ये ब्रह्मवाणी मिली है, उनकी महिमा कितनी अपरंपार है, जिसको ग्रहण करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, घर पर बैठकर ही मिल रही है. एक कल्प में 14 मंथन मंथ होते हैं. सातवां वैश्वत मंथन मंथ से सृष्टि रचना का प्रारंभ हुआ. भागवत या पुराण अनुसार सतयुग की आयु 17,28,000 है. त्रेतायुग की आयु 12,96,000 की है. द्वापर युग की आयु 8,64,000 की है. कलयुग की आयु 4,32,000 की है. जब एक बार चतुर्युगी में 4 युग बीतते हैं, तो 43,20,000 साल होते हैं. जब 1,000 बार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग बीतते हैं, तो 4,32,00,000,000 वर्ष होते हैं. तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है. ऐसे 28वां कलयुग आया है. तेरी गिनती बादी श्वासोश्वास, तिनको भी नहीं विश्वास, कहते रहे बाकी तेरे श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस. इस दुनिया में ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले मोहम्मद साहिब ने मेराज की रात्रि में अल्लाह ताला से 90,000 हरफ के रूप में सुना. और हम सब रूहे इस दुनिया में सबन
1638 में अश्विन मास की चतुर्दशी के दिन आई सुंदरबाई की आत्म के साथ। साल 990 मास हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब श्री राज जी ने श्री देवचंद्र जी को 3 बार दर्शन दिए। पहला कच्छ के रण में बारात के पीछे जाते समय पठान के वेश में। दूसरा श्री देवचंद्र जी जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं और उनकी सुरता लग जाती है वैसे राधिका भाव में बुगड़ी का प्रसाद खाने के लिए अपना हाथ उठाती है तो जमीन पर टकरा जाता है तो उनका हाथ ध्यान टूट जाता है। तीसरा श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के मंदिर में कांजी भट से भागवत कथा सुन रहे थे तब राज जी ने आकर बाल मुकुंद के रूप में साक्षात दर्शन दिए। तब श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि दनी अब मुझे कहाँ मिलोगे तो दनी जी ने बोला कि तुम्हारे दिल में आकर विराजमान होता हूँ। तब श्री देवचंद्र जी को सारा ज्ञान मिल गया। देवचंद्र जी ने एक ज्ञान पहली बार गांगजी बाई को सुनाए। 73 वर्ष 11 मास देवचंद्र जी के तन से लीला हुई। 1715 में हफ्सा की जेल में वाणी का अवतरण महाराज ठाकुर के तन तथा इंद्रावती के आत्म स्वरूप वाणी उतरने की शुरू हुई। तब रास ग्रंथ का प्रकरण 6 श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार प्रथम चौपाई से शुरू हुई। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार शोभा कहु गणवे करिने स्नेह जोई जोई वचन आनु कई ऊंचा पन न आवे वाणी माहे ते शोभा श्रृंगार श्यामा जी नो निरखू जी। 1748 में पन्नाजी बंगला में मार्फत सागर का अवतरण पूर्ण हुआ। श्री दनी जी को जोश आत्म दुल्हीन नूर हुकम बुद्ध मूल वतन ए पहुंचो मिल भई महामत वेद कतेबो में पहुंची शरद इंद्रावती के दिल में ये पहुंच शक्ति मिल गई। तब उनको महामती का खिताब मिला। मोहम्मद ईशा आए महाराज में और असराफिल इमाम बुद्ध जब्राइल मिल के किए अल्लाह कलाम। बोलो सिप्रानाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। कैसे शुरू से किया और अंत तक ले गए सुंदर साथ जी। लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। क्या बात है। पूरी बीतक साहब ऑलमोस्ट कवर कर दी सुंदर साथ जी। मंजुला बेन ने बिल्कुल सही लिखा, कैप्सूल फॉर्म में बीतक दी जाती है ना, वो दे दी आपने। कब कहां क्या हुआ 5 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा आपने अर्क निकाल के ये जो दिया, अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जो भाव लेकर आ रहे हैं ना, गागर भी शायद मुझे लगता है थोड़ी बड़ी होती है, कैप्सूल तो और भी छोटा होता है, उसमें सारा कुछ समा दिया। अति सुंदर। आपके चरणों में कितने प्रणाम किए जाएं मुझे नहीं पता। अनंत अनंत प्रणाम। अति सुंदर मंजुला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले दीप्ति जी ने भी यही किया है, पूरी वाणी में से कैसे पिया प्रबोध रहे हैं, कहां प्रेम का कैप्सूल दिया है, कहां पे व्यंग्य दे रहे हैं, कहां ये दे रहे हैं, कहां ये। बहुत सुंदर। विद इन 5 मिनट्स ये सारा समेटना, बहुत गूढ़ विषय। बहुत सुंदर सुंदर साहब जी। यूएस हमेशा कुछ ऐसी प्रेरणा लेकर आते हैं। अति सुंदर। धनी की बहुत मेहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अब हमारे यूएसए में से इतने से ही थे, फिर कनाडा सुंदर साथ में से। जी जी। ओ दीप्ति जी कुछ, दीप्ति जी कुछ बोल रहे हैं जी। दीप्ति जी, वो किरण दीदी है ना, किरण खुराना दीदी, वो आगे का मन संभालेगी। हाँ जी, हाँ जी। किरण जी, जी आगे का मन संभाल के यूएसए चलिए, कनाडा चलते हैं हम सब सुंदर साथ उनके साथ।
और सुंदर साथ जी, मैंने खुशी बोला, वो खुशी देकर इतनी सारी गई थी, वाणी बिटिया है वो हमारी, उनको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी किरण दीदी, प्रणाम जी, ओवर टू यू। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके हृदय में बैठे श्री राज शर्मा जी के चरणों में कुटान कोट सीधा कुटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले दक्षा बहन को बुलाना चाहूंगी। दक्षा बहन के बारे में कुछ मैं बताती हूँ। वो यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना में रहती हैं। अपनी बेटी के बच्चे को संभालते हुए भी वो माणी मंथन वाणी मंथन भी करती हैं, चर्चा भी जो SPJIN में होती है वो सुनती रहती हैं। परम पूज्य स्वामी जी के ऊपर उनका पूर्ण ईमान भी है, उनके दिल में सभी सुंदर साथ के लिए बहुत प्रेम भरा हुआ है। ऐसी हमारी दक्षा सखी जी हैं, वो आपके सामने कुछ भाव रखेंगी अभी। दक्षा बेन है जी। प्रणाम जी, आपको अनम्यूट कर दिया है, आप शुरू कर सकते हैं। दो दक्षा बेन है, मैंने एक जिनका कैमरा ऑन है उनको कर दिया है। हैंड रेज भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी हैंड रेज कर सकते हैं सुंदर साहब जी। ओ हिंदी में है जी। जी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए। सभी सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज दिल की बात बताने आई हूँ, कुछ वाणी के शब्द है और कुछ आपके सहोर से। प्रेम सागर पुर चलावती, संग संयो को भी पिलावती, पिया जी कहे इंद्रावती, तेज तारतम ज्योत जगावती। सिंधी वाणी का सुर सोनिया दीदी के हृदय से सुन रही हूँ। जानती हूँ कि सिंधी को इंद्रावती ने न्यायालय बनाया है, जिसमें प्रेम की फी लेकर इंद्रावती हम सभी सखियों की तरफ से पिया से इतनी सुनवाई करती है, इसमें अधिकार से लड़ती है हम सबकी ओर से। इस काल माया में भी कोई इतना एहसान कर दे तो हम पूरी जिंदगी इनकी बातों में हाँ मिलाते हैं और उनसे दिल का रिश्ता बांध रहते हैं। हमारी ओर से एक पिया से 14 तबक के मालिक से इंद्रावती लड़ती है और कहती है कि पिया, आपने ही हमारे दिलों में ये खेल मांगने की इच्छा करवाई, आपने ही पर्दा डाला है, आपने ही ये दुख भरा तिलसम दिखाया है और अब आप ही तो अपने रसों को बेचकर यही गुलजरी हमारे लिए भेजी। आप इतने दयावान हो मेरे रहमान, परंतु ये माया हम पर भारी पड़ गई थी। आज तक आपकी ये गुलजरी नियमों से पढ़ते तो थे, फिर भी पहचान नहीं होती थी। आज आपने फिर से ये हमारे लिए जुम पर अपनी खसल खास रूहों को बेचकर अपनी और आपकी पहचान करा दी। आपसे हमारी रूह अब प्यार भी करने लगी है, कभी सोनिया दीदी को सुनकर तो कभी किसी प्यारी सखियों के भाव सुनकर आंखें भर आती है। सुंदर साथ जी, लगता है उनका नेट वीक है जी, तो वेट करें कि अगले सुंदर साथ को लें। जी आप नेक्स्ट को ले लीजिए, उनको फिर से जैसे ही उनका नेट वापस आएगा हम उनको वापस तब से फिर से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम जी। ठीक है, तो अब आगे मैं सुषमा धामी जी को बुलाती हूं। हम जी दक्षा दीदी, आपका नेट आ चुका है, आप कंटिन्यू कीजिए। प्रणाम जी। हे धनी, आपने हमें एक दुख में भेजा तो है, आज सुख भी इतना दे रहे हो अपनी वाणी से। इतनी अरज है दिल से कि तब तक कायम रखना जब तक हमें आप अपने पास बुला न लो। धनी, अब तो न्यारा निमक न होगी, करना पड़े न याद, आसिक को मासूक का इनवित ला गया साथ। भले हमें इंद्रावती की तरह दिखाई न दो, परंतु हर पल हर सांस में अब आप हमारे साथ रहना पिया।
बार बार एक ही अरज करती हूँ आपसे, हमसे प्रीत निभालो धनी, अब तो आ जाओ, हमारी सांसें कहीं कम न पड़ जाए पिया। सुंदर साहब जी, वो इतने भीगे हुए भाव हैं सुंदर साथ जी उनके दिल के, बहुत सुंदर भाव की कहीं मेरी सांसें कम ना पड़ जाएं धनी जी। शायद वो सारे भाव पिया खुद ही सुन रहे हैं अभी। दिल की सब बात कही, दिल की सब बात कही। बहुत सुंदर भाव सुंदर साहब जी, ये सुनने को मिलेंगे नहीं जो आज यूएस कनाडा साथ लेके आए। अर्श हो एक तेरी बात रहे, पिया तेरा साथ रहे, पिया तेरा साथ रहे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आपकी जात में शामिल करके मुझे माफ कर देना। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप तो दक्ष हैं, हमें पता लग गया कि आप दक्ष हैं, पिया आपके जल्दी ही प्रत्यक्ष हैं, ऐसा लगता है आपकी बातें सुनकर। बहुत गहरी, बहुत प्रेम से भरी हुई सखी हैं, आज देखकर मिलके बहुत अच्छा लगा। शुक्र है धनी, ऐसी सखियों के दर्शन करवा रहे हो जिनके दर्शन मात्र से हमारी स्थिति शायद सुधर सकती है। बहुत भीगी हुई, बहुत प्यारी बातें, पिया जी का जिक्र, मुझे ऐसा लगता है धनी खुद भी अकेले में सुनना चाहते थे थोड़ी थोड़ी बातें बीच में, इसलिए उन्होंने हम तक पहुंचने नहीं दी एक आध मिनट की, वो उन्हीं तक पहुंची हैं डायरेक्ट। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। लिखते रहिएगा, बोलते रहिएगा, दक्षा बेन जरूर बहुत सुख देंगे आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लगता है उनका नेट भी बीच बीच में भीग भीग जा रहा था, जैसे उनके भाव भीग रहे थे उनका नेट भी भीग रहा था। सुषमा धामी जी को बुलाना चाहूंगी। सुषमा धामी जी यूएसए में, वॉशिंगटन में, सिएटल में रहती हैं। वो बहुत ही सच्ची, सरल, नरम दिल की हैं, धर्म की ओर अग्रसर अभी हुई हैं, शुरू से लगी तो हुई हैं धर्म में। उनका सौभाग्य है कि वो पंजाबी प्रणामी परिवार में पैदा हुई, लेकिन उनका विवाह धामी परिवार में हुआ। उनका परिवार देवीदास जी के वंशज हैं। वो देवीदास जो स्वामी जी के साथ रहते थे और जब वाणी उतरती थी तो वो उसको लिखने का काम करते थे। तो श्याम और उनके देवर श्याम धामी जी, जिनके वाणी गायन और भजन तो आप सुनते ही रहते हैं, तो ये पूरा परिवार ही धार्मिक है। हमारी सुषमा दीदी आज आपको शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में श्री राज जी के साथ भ्रमण कराएंगी। सुषमा दीदी आएंगी जी, और ये सुषमा जी हमारी किरण जी की दीदी भी हैं, दोनों आत्मिक बहनें तो हैं ही, यहाँ भी उनको बहनें बनने का सौभाग्य मिला जी। सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम, मैं जो ले रही हूँ 25 पक्षों में धनी संग रमन। जब सखियां दोपहर 3 बजे वनों से वापिस आती है और नीले पीले मंदिर में आकर जुगल स्वरूप के दर्शन पाती है, तो धनी श्यामा जी से कहते हैं कि सखियों से पूछो कि आज कहाँ रमन को जाना है। तो प्रतिदिन अलग अलग पक्षों में घूमने जाते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन शुक्ल पक्ष में वनों में तथा दूर दूर के पक्षों में घूमने जाते हैं। तब एक साथ हम नूरी तख्तरवा में जो 16 पहल का आया है विराजमान होकर जाते हैं। इन सबकी शोभा सुंदरता अपरंपार है, पर धनी की कृपा से थोड़ा सूक्ष्म रूप से वर्णन करने की कोशिश करती हूँ। शुक्ल पक्ष की एकम के दिन रंग महल के आग्नेय कोण में आए दूर नूर सागर में रमन को जाते हैं। यह सागर श्री राज जी के मुखार बिंद की
नूरी शोभा का सागर है। इसकी सभी जोगवाई धरती जल पशु पक्षी वन जिमी सभी श्वेत रंग की आई है। द्वितीया दूज के दिन हम सब मिलकर नूरी तख्तरवा पर असवार होकर दक्षिण दिशा में आए नीर सागर की पाल पर उतरे। यह सागर रूहों की शोभा का सागर है तथा इसकी सारी सामग्री लाल रंग की आई है। तीज के दिन हम सब रूहें राजी श्यामा जी के साथ नृत्य कोण में आए क्षीर सागर की ओर उड़ चले। यह सागर पीले रंग का आया है। इसकी सारी जोगबाई वन पशु पक्षी जल जिमी पीले रंग की आई है। यह रूहों की एक दिली वाहिदत का सागर है। जिस भी सागर या दूर दूर तक हम जाते हैं तो धनी की सवारी के साथ साथ पशु पक्षी भी असवार होकर जिमी के पशु पक्षी जमीन पर और तथा आसमान के पशु उसी रंग में रंगकर धनी के साथ साथ चलते हैं। चतुर्थी के दिन हम सब सखियां धनी संग मिलकर पश्चिम दिशा में आए दधी सागर की ओर उड़ चले। यह सागर हरित रंग की आभा लिए श्री जुगल स्वरूप की शोभा का श्रृंगार का है। सभी जोगबाई हरित रंग की आई है। शीतलता सुगंधी कोमलता आदि सभी गुण सब सागरों में है। पंचमी के दिन घृत सागर यानी इश्क के सागर में रमन को जाते हैं। यह सागर आसमानी रंग का आया है और वायव्य कोने में प्रत्येक दो सागरों के मध्य दो रंग की जिमी भी आई है तथा प्रत्येक दो जिमी के मध्य एक सागर आया है। षष्ठी के दिन हम सब मिलकर रंग महल के उत्तर दिशा में मधु सागर की ओर रमन को जाते हैं। यह सागर इल्म का सागर है। इसका रंग श्याम रंग का है। परम धाम से इल्म की एक बूंद इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के रूप में आई है। इश्क और इलम एक दूसरे के पूरक हैं। सप्तमी के दिन हम सब मिलकर ईशान कोने में आए रस सागर यानी निस्बत के सागर की ओर चले। यह सागर 10 रंगों का आया है। सभी सामग्री व माहौल 10 रंगों की आई है। अष्टमी के दिन सर्व रस यानी मेहर सागर की ओर पूर्व दिशा में आए सागर की ओर चले। यह सागर अनंत रंगों का है। जब हम चितवनी द्वारा गुम्मट जी से दर्शन करते हुए काल माया से योग माया होते हुए परम धाम में सर्व रस सागर से प्रवेश करते हैं, इस सागर में सब सागरों का रस समाया हुआ है। नवमी के दिन तख्तरवा चार आर हवेली की तरफ मुड़ चला। रंग महल के पश्चिम दिशा में रास्ते में सभी शोभाओं को देखते हुए हवेली में पहुंचे। इसे छोटी रांग भी कहा जाता है। इसकी प्रत्येक हवेली की 60,000 भूमें आई हैं। दशमी के दिन हम सब वन की नहरों में खेलते एवं झीलते। यह मिलावा दक्षिण की तरफ जाते हुए सभी शोभाओं को देखते हुए वन की नहरों की पाल पर उतरे। यहाँ सभी शोभा फूलों तथा वृक्षों की आई है। ये भी 60,000 भूम तक गए हैं। एकादशी के दिन मानिक पहाड़ की शोभा को निहारने रमन व कई प्रकार के खेल के लिए दक्षिण दिशा में जाते हैं। यहाँ सारी शोभा 12,000 की गिनती में आई है। मानिक पहाड़ की हद में बड़ा वन मधुवन तथा महावन भी आए हैं। मानिक पहाड़ की सारी शोभा लाल रंग की आई है। द्वादशी के दिन हम सब जवेरों के नहरों में पधारते हैं। जवेरों की नहरें पूरे परम धाम को घेर कर आई हैं। नहरों में 124 चौकों की 9 हारें आई हैं, जो 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4 भूम के मोहल आए। इसमें सभी मोहलों थम्बों आदि में जल चलता हुआ दिखाई देता है। तेरस के दिन हम सब 24 हांस के मोहल में पधारते हैं। इसकी शोभा हौज कोसर के दक्षिण में आई है। चांदनी में 24 फवारों से गिरता हुआ जल नीचे 24 कुंडों में गिरता है तथा 25वां फवारा ऊपर उछल कर उसी में गिरता है। 14 के दिन हम सब मिलकर हौज कोसर तालाब में जाते हैं। हमारे सुखपार पश्चिम दिशा में आए झुंड के घाट पर उतरते। यह एक हीरे के नक का बना हुआ तथा इसमें चारों दिशाओं में 4 घाट, पश्चिम में झुनका घाट, 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट और तथा पूर्व में 16 देवरी का घाट आया है, जिसमें जमुना जी आकर समाती। इसमें बीच में एक टापू महल भी आया है।
पूर्णमासी के दिन हम सब मिलकर रंग महल की नूरमयी की चांदनी पर आते हैं। इसमें तीन प्रहर तक चांदनी पर विभिन्न लीलाएं तथा नृत्य व रामते धन्य के साथ करते हैं। चांदनी पर बेशुमार बाग बगीचे चह बच्चे फवारों की अनंत शोभा है। शुक्ल पक्ष में रात्रि की जो भोजन लीला है वो वनों में होती है। तत्पश्चात रात्रि 9 बजे रंग महल में आकर 5वीं भोर में शयन की लीला होती है। धन्य के साथ शयन की लीला होती है। प्रणाम जी, कोई गलती हो तो क्षमा कर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कितनी सुंदरता से समझा दिया और कितनी सुंदरता से रमण करा दिया। परम धाम के बाहर से बड़ी रांग से लेके बिल्कुल रंग महल तक पहुंचा दिया, अति सुंदर रंग महल की आकाशी तक। आइए अब आगे देखते हैं कि कहाँ लेके चलते हैं। अति सुंदर सुषमा दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी मेमोरी रिवाइव हुई आज, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, सब सुंदर साहब जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ये कनाडा के सुंदर साथ भी, यूएस प्लस कनाडा जब हो जाता है तो देखिए क्या लेकर आते हैं ये मिलकर। आज मैं कनाडा में ही हूँ, आज मैं कनाडा में ही। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। अब ये दीदी ने तो शुक्ल पक्ष के पक्षों का वर्णन किया, अब इसके आगे कृष्ण पक्ष में जब रमण करने जाते हैं तो उसका मैं संक्षिप्त रूप में कुछ प्रयास करती हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। सुंदर साथ जी, कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में श्री राजश्यामा जी हम सबको सुखपालों पर बैठाकर नजदीकी स्थानों पर सैर कराते हैं। वैसे तो परम धाम के 25 पक्ष श्री राज जी के हृदय का व्यक्त स्वरूप ही है जिसका विस्तार अनंत है, लेकिन यहाँ संक्षेप में वर्णन करने का मौका है। कोई भी गलती हो तो अपनी धाम सखी जानकर उसको सुधार करिएगा और क्षमा करिएगा। एकम को, कृष्ण पक्ष की एकम को रंग महल की पूर्व दिशा में जमुना जी पर बने पाट घाट पर जाते हैं। इसी दिन हम सब सखियां श्री श्यामा जी के साथ यह माया का खेल देखने उतरे। पाट घाट में अनेकों जल क्रीड़ा और झीलना का आनंद वाला जी के साथ हमको मिलता है। दूज, कृष्ण पक्ष की दूज को हम सब राज श्यामा जी के साथ बट के पुल पर पधारते हैं। पुखराज पहाड़ के मूल कुंड से प्रगटी जमुना जी केल पुल के नीचे से होकर पाट घाट होते हुए केल पुल के नीचे से 10 धाराओं के रूप में बहती हुई हौज कौसर में समा जाती हैं। 5 भौम छठी चांदनी वाला यह पुल बहुत जगमग जगमग करता हुआ है। इसमें 1100 हिंडोलों की अपार शोभा आई है। तीज, कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम सब मिलकर धनी के साथ रंग महल के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वनों में भ्रमण के लिए जाते हैं। निकुंज गोल और कुंज चौरस आकृति के आए हैं। जगमग करती रेती नहरों चह बच्चों और 2 भौम तीसरी चांदनी के फूलों से बनी सारी शोभाई है। यहाँ अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। चतुर्थी, चतुर्थी के दिन हम सब मिलकर रंग महल की पश्चिम दिशा में जहाँ नूर बाग की छत पर धाम रोज से मिलान करता हुआ 2 भौम तीसरी चांदनी का फूल बाग आया है, वहां प्रीतम के साथ हम विहार करने जाते हैं। इसके चारों कोनों पर 16 हास की चह बच्चों की शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के बीच अनंत प्रकार की अनेक खुशबूदार बगीचों नहरों चह बच्चों की शोभा आई है। नूर बाग में नूर के खंभों की विशेष शोभा आई है। पंचमी के दिन अपने प्राण प्रियतम के संग हम सब फूल बाग के ही पश्चिम में आए पश्चिम के चौगान में जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े रेती के मैदान हैं, जिनमें अनेक प्रकार के छोटे बड़े पशु पक्षी जानवर अपनी अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा हम सबको रिझाते हैं। यहाँ तो घोड़ों के भी पर्व होते हैं, हम सभी जानवरों की असवारी का भी आनंद देते हैं। षष्ठी के दिन रंग महल की उत्तर दिशा में आए लाल चबूतरा और ताड़ वन में रमण करने जाते हैं। 40 हांसों में आए लाल चबूतरा की प्रत्येक हांस में अलग अलग रंगों की सुंदर गिलम पर अनेकों प्रकार के सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा, जिस पर श्री राज श्यामा जी के संग बैठकर सामने आए अखाड़ों में पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। लाल चबूतरा के पूर्व में ही ताड़वन की शोभा आई है, जिसके एक बगीचे में खड़ोकली आई है। सप्तमी के दिन उत्तर दिशा में
लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन की 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, जिनकी एक ही भौम में रंग महल की 10 भौमें समाई गई हैं। उनमें एक भौम ऊंचे हिंडोलों की शोभाई है, जिनमें हम राज श्यामा जी के संग झूलने का आनंद लेते हैं। अष्टमी के दिन हम सब सुखपालों पर विराजमान होकर उत्तर दिशा की ओर आए महावन की चांदनी पर उतरते हैं, जो हजार भौम के आए हैं। वहां से मधुवन की 500 भौम और बड़ो वन की 250 भौम ऊंचे वृक्षों की उतरती सीढ़ी जैसी शोभा को देखते हैं। सभी वनों में हिंडोलों की शोभा आई है और यहाँ अनेकों पशु पक्षियों के रहने के स्थान भी हैं। नवमी के दिन उत्तर दिशा में ही पुखराज की तलहटी में जाते हैं। धनी की इच्छा से घोड़ों पर सवार होकर मार्ग में सारी शोभा देखते दिखलाते पुखराजी रौंस पर उतरते हैं और सीढ़ियों से नीचे तरहटी में जाते हैं। वहां 5 पेड़ों की शोभा है, जो कि आधार स्तंभ है। मध्य का पेड़ जल स्तंभ के रूप में आया है, जो चांदनी पर खुलता है। दसवीं के दिन हम सब पिया संग पुखराज की 1000 हांस की चांदनी के सुख लेते हैं। चांदनी पर सुंदर बगीचों, नहरों, चहबच्चों और किनार पर 1000 हांस की मोलातों की शोभा, चारों दिशाओं में 10 भौम के महाबिलन दरवाजे, चांदनी के ठीक मध्य में 1000 भौम ऊंचे आकाशी महल की शोभा है। एकादशी के दिन पुखराजी ताल की शोभा को देखते हैं। श्री राज श्यामा जी संग हमारे सुखपाल पूर्व में 400 कोस की रौंस पर उतरते हैं। अनेकों दहलानों, बड़ो वन के वृक्षों, जवेरों के महलों की शोभा, मध्य में पुखराजी ताल की शोभा, 20 भौम ऊपर से दहलानों द्वारा जल 4 धाराओं के रूप में गिरता हुआ दिखाई देता है। द्वादशी के दिन धनी के संग हम बंगलों में पधारते हैं। बंगलन के किनार पर कठेड़ा, भीतर रौंस, बड़ो वन की हारें, फील पायों की हारें, उन्हें बड़ो वन की हारें, ठीक मध्य में चबूतरे पर 5 भौम छठी चांदनी की बंगलों और चहबच्चों की क्रमशः हारों की अति आनंद अति सुंदर शोभा आई है। 13 के दिन अद्ध बीच के कुंड में हम रमन के वास्ते आते हैं। बड़ो वन, फील पायों के वृक्षों की हारें, बंगला जी की पूर्व दहलान से एक रूम मिलान करती हुई चबूतरे की शोभा, भीतर बगीचे, छठी भौम की शोभा, 5 हारे मधुवन की, 496 भौम ऊपर 16 धाराओं की शोभा, आसपास खास माहौल की शोभा, 400 भौम ऊंचाई से जल गिरता है। 14 के दिन धनी हमें अद्ध बीच के कुंड के पूर्व में ढपो चबूतरा और मूल कुंड की शोभा दिखलाते हैं। मूल कुंड परम धाम की जमीन से 1 भौम ऊंचा आया है। मध्य में कुंड 3 भौम गहरा जल घेर कर कठेड़ा, सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। मूल कुंड के पूर्व से जमुना जी का प्रकटन, जमुना जी आधी दूरी तक ढपी फिर आगे खुले रूप में आई हैं। अमावस्या के दिन पिया जी के साथ हम केल पुल आते हैं। पीले हीरे के रंग में जगमगाते पुल की शोभा बट पुल जैसी ही आई है। इस समय खूब खुशहालियां हाथों में माला लेकर खड़ी हैं और बाजार लगाती हैं। पारदर्शी फर्श के नीचे कलकल करती जमुना जी के दर्शन, अनेकों प्रकार के सुख धनी जी हमें प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी, कृष्ण पक्ष के प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे हम वापिस अपने निज घर आते हैं। 28 स्तंभ के चौक में थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात रसोई की हवेली में 7:30 बजे भोजन की लीला होती है। उसके पश्चात चौथी भौम में नृत्य की हवेली में नृत्य का आनंद लेते हैं। तत्पश्चात रात्रि 9 बजे शयन लीला के वास्ते 5वीं भौम में पधारते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ने कितना परम धाम में भी घुमाया। पहले कहते हैं धनी जी की बातें सुनो, और दक्षा बेन कहती हैं कि सिंधी में डूबो, और उसके बाद करना क्या है, पिया जी के और 25 पक्षों के दीदार करने हैं। बहुत सुंदर वर्णन, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर जी। अभी 2 सुंदर साथ और हैं, अगर टाइम तो हो चुके, अगर आप कहें तो उनको ले लें जी। 5-5 मिनट्स ही हैं। हाँ जी, इतना ही होना चाहिए। हाँ जी, ले लीजिए, कोई बात। ठीक है, तो हमारे अगले सुंदर साथ हैं कनु भाई जी। तब तक कुछ कह रहे हैं जब तक आप देखते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं वही करने जा रहा था कि
टाइम हो तो लेंगे, अदरवाइज उसको बोल दिया है तो जो टाइम है तो रमेश भाई जी लेंगे जी। अगर उनको बोल दिया है तो फिर अगली बार में भी ले सकते हैं यदि आपने बोल दिया है। मैंने बोल दिया है तो कोई सवाल नहीं, अगली बार लेता है आपको जब भी टाइम है। हमें थर्ड पार्ट ऑलरेडी बुक हो गया है तो आप जल्दी से दोगे इसकी आशा रखता हूँ। और सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है हमें। सुंदर साथ जी देखो हमारी अम्मी जी फर्स्ट टाइम एंकर का भाव बज रही थी लेकिन बहुत अच्छी तरह से किया, और किरण दीदी ने भी बहुत अच्छी रीते अच्छी तरह से हमें बताया। सुंदर साथ जी किरण दीदी वैसे तो कैनेडा से है और हमारे सुषमा जी और किरण जी के दोनों के साथ तो बातचीत तो चलती ही होती रहती थी। और बात हुई दक्षा बहन जी की, दक्षा बहन जी को हमें फर्स्ट ही जूम में ही हमें परिचय हुआ और दक्षा बहन ने कहा कि नहीं मैं हर रोज आपके साथ जूम में भी आऊंगा और हर रोज हम मेरे साथ दो दो तीन घंटे मेरे साथ बैठती है सहूर में आती है और बहुत अच्छा भाव आज बोला है। वैसी तरह से हमें हर रोज एक दो चौपाई तीन चौपाई हमें भाव दे देती है तो बहुत अच्छा रहता है। वो भी यहाँ यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट से है और सुषमा जी भी यहाँ यूएसए में है। आज ही पता चला आपने बताया तो वो किरण जी और सुषमा जी दोनों बहनें हैं, लेकिन मैं बात करता था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो दोनों बहनों के चरणों में भी प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। जी हमको पूरा मार्गदर्शन कनु भाई जी के द्वारा ही मिला है। हम उनसे बात करते थे क्योंकि मैंने पहली बार ये कुछ बोला है ऐसे एंकरिंग का, तो कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। और ये कमलेश भाई और जयंती भाई जी को के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि उनको अभी अगली बार मिल लिया था। कमलेश भाई जी आ चुके हैं, अच्छा कनाडा के भी हैं? नहीं रमेश भाई जी और जयंती भाई पटेल जी। रमेश भाई जी और जयंती भाई जी अगली बार सुंदर साथ जी, पहले से ही नाम पता है तो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है कि ये प्यारे सुंदर साथ अगली बार क्या सुनाने वाले हैं। हाउ डिसिप्लिन्ड विद इन टाइम लिमिट्स, पांच पांच मिनट में क्या क्या समा के ले आए सुंदर साथ, इसके लिए स्पेशल प्रणाम करना चाहूंगी। और अमी आप जरूर आगे भी एंकरिंग का ये करते रहिएगा, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल बहुत गुण पिया जी ने भरे हुए हैं। कोटि कोटि प्रणाम, पिछली बार भाव भी व्यक्त किए थे, इस बार एंकरिंग भी देखी और दिल में इच्छा है कि दीप्ति जी की एंकरिंग भी जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती हैं, वो भी बहुत प्यारा बोलती हैं। तो होपफुली अगली बार या फिर उससे भी अगली बार जब भी आप डिसाइड करेंगे दीप्ति जी भी एंकरिंग के रूप में हमें एंकर के रूप में मिलेंगे जरूर। प्रणाम जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप कुछ कह रहे हैं कनु भाई? प्रणाम जी सुंदरता जी। और जो अंगना है ना उसका मम्मी पापा भी इतने प्यारे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से हमें भाव दे सकते हैं। तो अगली बार हम उसके भाव भी हम सुनेंगे। जो मीना बहन जी है उसके मम्मी वो भी बहुत प्यारी प्यारी बोल रही है, तो मैं भी उसको भी एंकर बनाएंगे हम नेक्स्ट टाइम। देखिए सबको आगे लेकर आ रहे हैं हमारे कन्नू भाई जी। जरूर अंगना बिटिया की मम्मी पापा भी आएंगे और डिंकल जी को भी हमने सुना था पिछली बार। जितने सुंदर साथ के दर्शन हो पाए, जितना कारवां जुड़ पाए, जितने दर्शन जितने भाव पता लगे, क्या पता किस बात की वेट कौन सी रूह कर रही हो और उसको चोट लग जाए ये सुन के कि वाह राजी इतना कुछ लिखा है आपने अपनी वाणी में, मेरे लिए उतारी गई है। आप सबके चरणों में भावपूर्ण प्रेम पूर्ण प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ही मिलकर जयकारा लगा दीजिए कनु भाई जी और हमारी अम्मी बिटिया और दीप्ति जी जो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमारी किरण दीदी, आप खोल सकते हैं और जयकारा लगा सकते हैं। सुषमा जी, दक्षा बेन, जयंती भाई जी जयकारा लगा सकते हैं आज जी। कमलेश भाई जी मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री राम जी। राम जी।
सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुषमा दीदी, मंजला जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम, प्रणाम जी, सुषमा दीदी के घर पे मैं जाके आया हूँ। अच्छा, सुषमा दीदी के घर पे आप जाके आए हैं, वेरी गुड जी। तो सुंदर साथ जी, एक बात और भी कहना चाहूंगा।